राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का दूसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आपको कुछ टीम्स उतारने हैं, ठीक है, तो उन टीम को जब भी आप बनाओगे तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। क्या है कि जो आईथ टीम है आपका उसमें कुछ स्टूडेंट्स होंगे और आई प्लस वनथ जो टीम है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो आईथ टीम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड का सम शैल बी लेस देन आई प्लस वनथ ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ग्रेड का सम, ठीक है। बस ये एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईथ ग्रुप शुड बी लेस देन इक्वल लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आई प्लस वनथ ग्रुप, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है, तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, आपको बताने हैं कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बना सकते हैं इस कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस तरीके से अपन सोच सकते हैं। तो अगर हम पहले ग्रुप में एक स्टूडेंट डालेंगे तो अगले ग्रुप में हम लोग को कितना स्टूडेंट डालना होगा, एटलीस्ट टू, टू से ज्यादा भी डाल सकते हैं पर एटलीस्ट टू तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, टू और थ्री, ठीक है, वॉट एवर, पर एटलीस्ट टू, ठीक है। फिर इसमें अगर हमने टू डाल दिया तो अगले ग्रुप में हमें एटलीस्ट थ्री, या फिर थ्री डाला था तो फोर, फोर डाला था तो फाइव, ठीक है। तो लास्ट वाले ग्रुप से हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ज्यादा रखने ही हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होने चाहिए, उन सब का सम भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि पहला ग्रुप जो है इसमें हमने इस स्टूडेंट को डाल दिया, ठीक है, इस स्टूडेंट को डाला तो इस ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, वन, और उनका सम कितना हो गया, उनके ग्रेड का सम 10, ठीक है। इसको 12 को हटा के अगर हम 2 मान लें, ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप कितने होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, और उनका जो सम है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके, दैट शुड बी ग्रेटर देन आईथ ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट थे उनके ग्रेड का सम से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 + 2 = 8 हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो चुके हैं पर सम अभी भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो एक और स्टूडेंट हम लोग लेंगे, और अब क्या हो गया, 8 + 7, सम हो गया 15, 6 + 2 = 7, सम हो गया 15, और आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो भी जो प्रीवियस ग्रुप आपने बनाया था उससे ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ग्रुप आप बनाएंगे उसमें एटलीस्ट आपको 4 स्टूडेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और उन 4 स्टूडेंट का जो भी ग्रेड होगा उनका सम शुड बी ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ठीक है। तो अगले स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या कौन कौन बच रहे हैं, ये बच रहे हैं 3 और 5, ठीक है, 3 5, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 5 का सम 8 होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जा रहे हैं, लास्ट ग्रुप में 3 था तो इसमें तो 4 एटलीस्ट होना चाहिए था पर हो नहीं पा रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट ग्रुप को भी इसमें सबमर्ज कर देंगे, तो पहला ग्रुप हो गया 1 और अगला ग्रुप हो गया ऑफ साइज 5, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका, पर इसको मोस्ट ऑप्टिमली खेलने का क्या तरीका हो सकता है, एक बार उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा कहानी, ठीक है, सॉर्ट कर लेते हैं, तो मेरा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, 3 6 7 एंड देन, सॉरी, 3 then 5 6 7 देन 10 एंड देन 12, ठीक है। तो यहां पर आप देखें तो पहले ग्रुप में हमने एक स्टूडेंट को डाला, अगले ग्रुप में हम 2 स्टूडेंट को डाल रहे हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट को लेते हैं, इसका सम पिछले ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, जो स्टूडेंट थे उनके सम से ज्यादा हो जा रहा है। अगले ग्रुप में हम 3 स्टूडेंट को लेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड का सम भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने सॉर्ट किया तो हमें क्या एडवांटेज मिल गया कि जो स्टूडेंट हैं उनका जो ग्रेड है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाला है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने का क्या मतलब हो गया कि चलो अगर एक ये मान लेते हैं 8 8 8 8 8 8, ठीक है, तो इसको हमने सॉर्ट किया तो भी सॉर्ट होने के बाद भी यही रहने वाला है। तो इसमें एक चीज तो हम एश्योर्ड है
कि ये वाले आईथ एलिमेंट जो भी है, आई प्लस वन एथ एलिमेंट उससे छोटा नहीं हो सकता, इस बात के लिए तो हम अश्योर्ड हो गए, ठीक है। अब जब हम इस बात से अश्योर्ड हैं कि ये जो भी एलिमेंट है आईथ एलिमेंट, ठीक है, आई प्लस वन एथ एलिमेंट हमेशा उससे बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो जब हम इसमें अगर मान ले कि बड़ा होने वाला या फिर बराबर भी हो सकते हैं, मतलब भावनाओं को समझो आप, ठीक है, तो अगर हम इसमें एक्स एलिमेंट ले रहे थे, अगले वाले में हम एक्स प्लस वन एलिमेंट्स लेंगे, तो जब ये इससे छोटा नहीं है कोई भी एलिमेंट, एक्स प्लस वन एलिमेंट्स जो भी हैं उसके लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा या फिर बराबर है, तो जैसे ही आप उससे ज्यादा एलिमेंट लोगे तो हमेशा उसका सम तो हमेशा पिछले वाले ग्रुप से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉर्ट करने से ये हमें एडवांटेज मिल गया। तो पहले ग्रुप में हम कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे? पहले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे एक स्टूडेंट को, ठीक है। अगले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे टू स्टूडेंट्स को। अगले ग्रुप में हम सिलेक्ट करेंगे थ्री स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3 आई वाले ग्रुप से, आई प्लस वन वाले ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज्यादा है, ठीक है। सम देख लेते हैं, इसका सम है 8, इसका सम है 16, इसका सम है 24, तो सम भी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। आई आईथ ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनका सम, ठीक है, ग्रेड का सम, और आई प्लस वन एथ ग्रुप में जो स्टूडेंट है उनके ग्रेड का सम हमेशा उनसे बड़ा होने वाला है आई एथ ग्रुप वाले से, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे सेटिस्फाई करके, तो यहाँ पर दो चीज हमने समझा, एक कि हम सॉर्ट कर देंगे तो जो भी अगर हमारा ग्रुप होने वाला है आई एथ ग्रुप, उससे आई प्लस वन एथ ग्रुप हमेशा ही बेटर होने वाला है। अब हमें बनाना है यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुप, ठीक है, और ये हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो हम श्योर हो गया ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन जो ग्रुप होने वाले हैं वो हमेशा एपी ऑर्डर में होने वाले हैं, और एपी भी कैसा, ये पहला 1 होगा, अगला 2 होगा, अगला 3 होगा, अगला 4 होगा, अगला 5 होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमें बताना है अब कि कितना हम इस तरीके से एपी में कितने दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो पहला ग्रुप में हम एक स्टूडेंट को डाल दिए, अगले ग्रुप में हम दो स्टूडेंट को डाल दिए, अगले ग्रुप में हम थ्री स्टूडेंट्स को डाल दिए, और अब हमारे पास एक स्टूडेंट और बच रहा है, ठीक है। तो अगले ग्रुप के लिए हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए? 4 स्टूडेंट चाहिए, पर 4 तो हो नहीं सकता, तो इसको भी जो भी रिमेनिंग हो जाएगा उसको हम लास्ट ग्रुप में डाल देंगे। सम तो हमेशा बड़ा ही हो जाएगा उसका, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी और ऐड करने से बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो बस हमें पता करना है कि हम इतना ऐसे 1 से शुरू होते हुए एपी कितना दूर तक ऐसा लेंगे कि उसका सम जो है नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 6, तो फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम लेस देन इक्वल टू 6 होता है? तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप सम कितना बना पाएंगे? 3 बना पाएंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते 12, ठीक है, तो फर्स्ट कितने एन नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 12 होता है? तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, अब इससे आगे आप जाओगे तो इसका सम हो जाएगा 15, ठीक है। तो आप फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम लेस देन 12 होता है, ठीक है, आप ये कह सकते हो। और जो लास्ट के एक्स्ट्रा आपके दो स्टूडेंट बच रहे हैं उसको भी आप इसमें डाल दोगे, तो आप कितने ग्रुप बना पा रहे हो? 4 ग्रुप बना पा रहे हो। तो इसमें बस आपको ये करना है कि आपको पता करना है कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है या फिर बराबर है, ठीक है, उतने ग्रुप आप बना सकते हो। और सॉर्टिंग से हमने ये सोच ही लिया है, प्रूफ कर ही लिया है कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाएंगे तो सम हमेशा पिछले ग्रुप से ज्यादा होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हम बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो बस यही छोटा सा चीज था, और उसके बाद ये जो कोड है वो 2 लाइन का बच जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं पता करने वाला हूँ कि कितने, ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर का सम हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट से, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है, राइट। तो ये हम पता कर लेंगे और उसके बाद फिर हम रिटर्न कर देंगे बस। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि जब तक छोटा या बराबर है उससे तब तक हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा हम ब्रेकआउट कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा बड़ा हो चुका है सम ऑफ फर्स्ट एक्स एलिमेंट, ठीक है, तो हम ब्रेक कर रहे हैं, तो बड़ा हो गया तो हमने ब्रेक किया है, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो दैट्स इट, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बेसिक मैथ था और बेसिक ऑब्जर्वेशन था। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जोड़ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से भी जोड़ के आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।